हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टार्ट लेसन फोर एन इंटरव्यू विद मिल्खा सिंह। एन इंटरव्यू विद मिल्खा सिंह। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन। सो प्लीज़ राइट द वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक्स। दोज वर्ड मीनिंग्स आर एज फॉलो। दीज आर द सेम वर्ड्स विच हैव बीन गिवेन आफ्टर द लेसन इन योर टेक्स्ट बुक। If you want to write the synonyms also, you can copy of your textbook. The synonyms have been given with these words. And after the word meaning, please open your textbook and let us start to study the first page of this lesson. Please open your textbook, page number 25, and let us start. An interview with Milkha Singh. Beta, you know it very well that Mr. Milkha Singh was a great athlete of our country. Let us start about this lesson. Read this interview with one of India's finest athletes, the legendary Milkha Singh, conducted exclusively for Ratna Sagar by Miss Goldie Malhotra, a leading educationist from Delhi. कहने का मतलब ये बेटा कि ये जो लेसन है वह एक इंटरव्यू है, हैं किसका? भारत के महानतम एथलीट मिस्टर मिल्खा सिंह का, जो लीजेंडरी हैं, जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं, ठीक है ना। और ये कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा? विशेष तौर से रत्ना सागर पब्लिकेशन के द्वारा, यानी जिस पब्लिकेशन की बुक आपकी चल रही है ना, उस पब्लिकेशन ने यह इंटरव्यू कंडक्ट कराया। और किसके द्वारा कराया गया है ये? किसने कराया? बाय मिस गोल्डी मल्होत्रा, अ लीडिंग एजुकेशनिस्ट फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली के रहने वाली प्रमुख शिक्षाविद मिस गोल्डी मल्होत्रा। इन्होंने ये इंटरव्यू लिया। और व्हाट वॉज दैट? लेट अस स्टार्ट to study about this lesson. One of India's greatest sporting icons. One of India's greatest sporting icons, यानी भारत का जो सबसे महानतम स्पोर्टिंग गेम है आइकॉन है, मिल्खा सिंह वॉज द फर्स्ट इंडियन। उसमें मिल्खा सिंह जो है प्रथम वो इंडियन थे, हैं। मिल्खा सिंह वॉज द फर्स्ट इंडियन एथलीट to have reached the final of an Olympic athlete event, यानी उस इंडियन स्पोर्टिंग आइकॉन्स में मिस्टर मिल्खा सिंह प्रथम भारतीय एथलीट ऐसे हुए जो कि ओलंपिक एथलीट के फाइनल तक पहुँचे, ठीक है। He was placed fourth in the 400 meters race at the 1960 Olympic Games in Rome, यानी रोम में 1960 में जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें 400 मीटर की रेस में उनका स्थान कौन सा था? फोर्थ, चौथा स्थान था, ठीक है। एट द 1958 एशियन गेम्स मिल्खा सिंह वन बोथ ऑफ 200 मीटर्स एंड 400 मीटर्स रेस। और इसके बाद जो बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि एट द 1958 जब 1958 में एशियन गेम्स हुए थे उसमें मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों रेसें, हैं, दोनों रेसों को जीता था। वन बोथ, यानी दोनों रेस उन्होंने जीती थी, दौड़ प्रतियोगिताएँ 200 मीटर और 400 मीटर दोनों दौड़ प्रतियोगिताओं को उन्होंने जीता था। दैट ईयर ही आल्सो वन द गोल्ड मेडल इन 40 yard, यानी उस साल उन्होंने 440 गज के दूरी का जो रेस हुआ था ना उसमें उन्होंने क्या जीता था? वन द गोल्ड मेडल। 440 गज की दूरी वाली रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल पाया था। कब? एट द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन वेल्स इन द यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में जो कॉमनवेल्थ गेम
आयोजित किया गया था, उसमें उन्होंने 440 गज की रेस में गोल्ड मेडल पाया था, ठीक है ना। ये वन था गोल्ड मेडल। इसके बाद चलते हैं बेटा, हिज लास्ट अपीयरेंस एट एन ओलंपिक इवेंट वॉज इन टोक्यो इन 1964। उनका जो अंतिम जो स्पोर्ट हुआ, यानी जो अंतिम उन्होंने जो खेल में भाग लिया था, वो कौन सा था? एन ओलंपिक इवेंट, यानी ओलंपिक खेल में उन्होंने भाग लिया था। कब? इन टोक्यो इन 1964, 1964 में जो टोक्यो में आयोजित किया गया था ओलंपिक गेम, उसमें उन्होंने लास्ट बार जो है पार्टिसिपेट किया था। व्हेन ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एज ए पार्ट ऑफ द 4x400 मीटर्स रिले टीम, जबकि उन्होंने भारत की तरफ से 4x400 मीटर्स की रिले टीम का लीडिंग किया था, नेतृत्व इन्होंने किया था। यानी कि 4x400 मीन्स 1600 मीटर्स की रिले रेस का, रिले टीम का इन्होंने लीडिंग की थी, नेतृत्व किया था, ठीक है ना। इन 1959 और सन 1959 में क्या हुआ? मिल्खा सिंह वॉज अवार्डेड द पद्मश्री। 1959 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये कौन सा पुरस्कार है? पद्मश्री, इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर हिज अचीवमेंट्स। यानी जो इंडियन हैं उनकी अचीवमेंट के लिए ये भारत का जो चौथा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, यानी कि नागरिक पुरस्कार जो दिया जाता है, चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार ये माना जाता है, कौन सा? पद्मश्री, ठीक है ना। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया, जो भारत देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। इसके आगे चलो बेटा, मिल्खा सिंह्स लाइफ हैज़ बिन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सागा ऑफ स्ट्रगल। यानी मिल्खा सिंह का जो जीवन था ना, वो हैज़ बिन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सागा ऑफ स्ट्रगल। सागा स्ट्रगल का मतलब बेटा, देयर वॉज अ कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रगल, यानी लगातार संघर्ष वो करते रहे, ठीक ना। पैक्ड विद विक्टरीज एंड सेटबैक्स, जिसमें उनको विजय भी मिली और सेटबैक्स, उन्हें पराजय मिली, डिफिकल्टीज मिली, प्रॉब्लम्स आई, यानी उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी हैव सीन हिम थ्रू एंड मेड हिम अ। अच्छा पेज पलट लीजिए, ये हमने यहाँ पे लिया तो नहीं है, पीछे देख लीजिए। अ मैन हु कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपुल अक्रॉस जनरेशंस। कहने का मतलब ये लेखक बता रहा है, मिल्खा सिंह्स लाइफ हैज़ बीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सगा ऑफ स्ट्रगल पैक्ड विद विक्ट्रीज एंड सेटबैक्स। मिल्खा सिंह का जीवन जो है संघर्षों से भरा रहा, जिसमें उनको विजय भी मिली, पराजय भी मिली, कठिनाइयाँ आई, सब कुछ आया। हिज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जो उनकी चारित्रिक शक्ति थी ना, जो उनके अंदर जो ताकत थी, जो उनका कैरेक्टर था, जो डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ निश्चय कर लेते थे, जो डिसिप्लिन थी उनकी, जो अनुशासन था, जो ऑनेस्टी ईमानदारी थी एंड सिंप्लिसिटी, उनके अंदर जो सादगी थी, ठीक ना। हैव सीन हिम थ्रू, ये पूरी की पूरी उनके अंदर देखी जा सकती थी। क्या क्या चीज़ें उनके अंदर भरी थी? उनके अंदर चारित्रिक शक्ति थी, डिटर्मिनेशन था, जो तय कर लेते थे उसे करके रहते थे, डिसिप्लिन था, वो अपने आप को अनुशासित रखते थे, ऑनेस्टी उनके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी थी, एंड सिंप्लिसिटी उनके जीवन में सादगी दिखती थी, समझे आप, वो साधारण जीवन जीते थे। हैव सीन हिम थ्रू, उनके जीवन में सारी चीज़ें देखी जा सकती थी, उन्हें किसी बात का घमंड नहीं था, उनके अंदर सादगी थी, एंड मेड हिम अ मैन। इन सब चीज़ों ने उन्हें ऐसा व्यक्तित्व प्रदान किया, हु कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपुल अक्रॉस जनरेशंस, जो आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए वो लगातार प्रेरणादायक बने रहेंगे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी, दीज थिंग्स आर द एविडेंस विच कंटिन्यू इंस्पायर द जनरेशंस। ये वो चीज़ें थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणादायक
बनी रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।